हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया कि आप एमबीबीएस डिग्री लिए बगैर काम कर सकते हैं, कहाँ पर काम कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो आप अब इमेजिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी पढ़कर आप लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम कर सकते हैं। आपको इसके लिए एमबीबीएस की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। एलाइड हेल्थ साइंस का ये प्रोग्राम है, जैसे कि पहले भी हमने बहुत सारे एलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स को डिस्कस किया है। कंप्लीट 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन है, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर्स हैं और हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का है। ठीक है जी। अच्छा जी, इनका काम क्या होता है, ये क्या काम कर रहे होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जो एमबीबीएस का डॉक्टर होता है वो आता है, ऑपरेट करता है और चला जाता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स किस ऑपरेशन के लिए, किस सर्जरी के लिए यूज होने हैं, ठीक है, उनको स्टरलाइज करना है, ठीक है, वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पेशेंट को कोई तकलीफ तो नहीं देंगे, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन थिएटर वालों के पास होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं क्योंकि ये। अच्छा जी, ये डॉक्टर का टैग तो नहीं लगा सकते, बट काम इनके पूरे के पूरे होते हैं, डिमांडिंग फील्ड्स हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। अच्छा जी, इसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ की लाइटनिंग कैसी है, वहाँ का साउंड कैसा है, जो ऑपरेशन हो रहा है वो टाइम पर स्मूथली और सेफली हो रहा है नहीं हो रहा, सारी परफॉर्मेंस देखना काम होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का। पेशेंट को मोटिवेट करना, उसकी हेल्प करना, ये सारा काम होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का। आपको इसके लिए अप्लाई करना है अगर, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री मेडिकल के अंदर आपकी FSC होनी चाहिए, या फिर आपके पास इसके अलावा कोई और 12 ईयर्स ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, 50% इसके अंदर होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट मार्क्स, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही है, जो कि एलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है, ठीक है जी। सो फिर आपने अपना अच्छा एग्रीगेट बनाना होता है ऑन द बेस ऑफ एंट्री टेस्ट, बेसिक क्लियर करनी होती है, फिर आपका एंट्री टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सीट मिल जाएगी एंड देन यू विल बी स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। सारा मैनेज करना ऑपरेशन के दौरान, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारा काम है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का। फीस जो है वो 2 लाख तक होती है, मतलब टोटल 4 सालों की पब्लिक सेक्टर के अंदर, और 5 लाख तक होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर 4 सालों की, ठीक है। सो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि टोटल आपका सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली कितना खर्चा आएगा। जॉब्स बहुत सारी हैं, ठीक है, क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। OT टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, मतलब लेक्चरर या प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, मतलब जहाँ से वो पढ़कर आए हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं या फिर कहीं से कोई रिटायर होकर निकल रहा है, तो फिर मतलब एज अ प्रोफेसर या लेक्चरर्स के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर। OT असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं आप लोग, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकते हैं, प्राइवेट हों, गवर्नमेंट हों, असिस्टेंट या एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बहुत सारी जो है वो जॉब्स हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के हैं, और इसके बगैर कोई भी डॉक्टर अपना काम नहीं मुकम्मल कर सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ये ड्यूरिंग सर्जरी और ऑपरेशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम्स करवा रही हैं, जिसके अंदर इंक्लूड शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, सेंट्रल पार्क कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस है, अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज है, द सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, एक जो OPT वाला होता है, ठीक है, तो किस किस चीज़ों के लिए वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक, कोई जर्नल सर्जरी हो रही है या फिर न्यूरो सर्जरी हो रही है या प्लास्टिक सर्जरी हो रही है या फिर गायनोकोलॉजी हो रही है, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी काम हो रहे हैं, तो वहाँ पर उस ऑपरेशन, उस सर्जरी, उस सारे कामों के लिए जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है,
वो मौजूद होना चाहिए, वो सारा आपको गाइड करेगा पेशेंट के साथ, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कांटेक्ट उसका होता है जो MBBS वाला डॉक्टर होता है, जो फर्दर स्पेशलाइजेशन करके आता है सर्जरी या फिर प्लास्टिक ऑपरेशंस के अंदर। तो उसका काम बहुत लिमिटेड होता है कि वो आएगा, 10 मिनट भी नहीं बैठेगा, ऑपरेशन करेगा, 5 मिनट 10 मिनट जितने भी टाइम का ऑपरेशन होगा वो करेगा और चला जाएगा। सारा गाइड करना, पेशेंट को डील करना, कम्युनिकेट करना, उसकी फैमिली के साथ सारा जो काम होता है वो इसी का होता है। ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है वो यही है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो बीएस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जो एनेस्थीसिया कर कर आते हैं, बीएस करते हैं, जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी आप लोग देख लें। ठीक है, सो मास्टर्स कर सकते हैं आप इसके इसके बाद, जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारी जो है वो इसकी वास्ट फील्ड्स हैं। ठीक है, सो कोई भी एक ऑपरेशन, कोई भी एक सर्जरी अकेले एक MBBS डॉक्टर नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसके साथ नर्सेस मौजूद होती हैं, उसके साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, जिसमें सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि सब मिल बैठ के एक साथ काम करके उस ऑपरेशन को, उस सर्जरी को करवाते हैं। सिर्फ एक MBBS डॉक्टर वाले का ही सारा काम नहीं होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा ऑपरेशन उसने किया है। ये सब अगर ना हो तो वो डॉक्टर भी कुछ नहीं है। ठीक है, सो अपना रोल आप लोगों ने खुद बनाना है, आप लोगों ने खुद अपने आप को जो है वो मनवाना है, खुद एक्सपीरियंस गेन करना है, खुद अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है। सैलरी जो है वो अगर मैं पर ईयर बताऊं तो 4 से 8 लाख आप लोग इजीली अर्न कर सकते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर आपकी जॉब्स हैं। सैलरी पब्लिक सेक्टर के अंदर एज अ फ्रेशर आपकी जो स्टार्ट होती है वो 40 से 60 हज़ार होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता जाता है आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है, नो डाउट। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 30 to 50 thousand आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है बीइंग ए फ्रेशर। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर इसमें मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लें, या फिर अगर कोई वो छोटी बात हुई तो हम लोग कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात हुई तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आप लोगों को मुझसे रिलेटेड या फिर मेरी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आई हो तो उसके लिए आप लोगों को मेरा पेज और ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।